वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू पटियाला स्थित घर से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर आलाकमान से बातचीत की थी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद देने से साफ इनकार कर दिया था। तो आज दूसरी बार सिद्धू दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो कमेटी के सामने पेश होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। आनंद पटेल इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे से जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, अब अगर आज गांधी परिवार के साथ में नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होती है तो फिर क्या आसार दिखाई दे रहे हैं, इस मामले का पटाक्षेप होगा? जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से ये पूरा प्लान तरीके से मीटिंग हो रही है। एक हफ्ते पहले तक राहुल गांधी ने करीब एक दर्जन MLAs और मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की है, और अब नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से कैप्टन अमरिंदर की मुखालफत की थी, उनसे आज मुलाकात है। बताया जा रहा है लंच के बाद मुलाकात होगी, करीब 3 बजे के आसपास सिद्धू पहुंचेंगे दिल्ली। ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ही तय करेंगे गांधी परिवार की क्या करना है पंजाब में, जो उठापटक मची हुई है, खींचतान मची हुई है, उसको सुलझाने के लिए। कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक नतीजा आ जाएगा, तो अब ये देखना होगा कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये बताया जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अहम पद दिया जाना जरूरी है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या फिर PCC चीफ हो। तो देखना है आज की मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।